हर हर महादेव। एक बड़ा गंभीर प्रश्न है जिसको कथावाचक लोग भी बड़े उल्टे तरीके से जो है परोसते हैं। ये जो है श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में माता देवहूति ज्ञान उपदेश के अनंतर अपने पुत्र रूप में प्राप्त भगवान कपिल देव का स्तवन करती हुई वे कहती हैं कि आपके नाम की इतनी महिमा है कि आपके नाम को यदि चांडाल इत्यादि जो कि वर्णाधम हैं ये लोग भी यदि स्मरण करते हैं तो वे लोग भी सद्यः सवनाय कल्पते अर्थात ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञों के योग्य हो जाते हैं। वे जो है तदगत ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञों में होने वाले प्रातः सवन माध्यान्हन सवन और सायं सवन के योग्य हो जाते हैं। पर इसका अर्थ धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज कैसा करते हैं, कैसा बतलाया है, इसको समझिएगा। देखिए वो श्लोक देखिए श्रीमद् भागवत में, यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहुणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। बोले आपके नाम की इतनी महिमा है फिर आपके दर्शन से कितना फल मिलेगा, इसका क्या कहना है। देखिए इसी का जो है अर्थ धर्म सम्राट कैसा करते हैं, क्या कहा उन्होंने कि ये बात ठीक है कि भगवान के नाम की अपार महिमा है, भगवान के दर्शन की महिमा का कहना ही क्या है, परंतु इस तरीके से इसका अर्थ करना जहाँ के वेदों के यज्ञों में, वेदोक्त यज्ञों में, वैदिक कर्मों में केवल जन्मना द्विज का ही अधिकार है, वो भी सत्कर्म का पालन करते हुए संस्कृत द्विज का ही अधिकार है, असंस्कृत द्विज और शूद्रादि का भी जहाँ निषेध है वे भी उसके अधिकारी नहीं है, तो फिर चंडाल या चांडाल कैसे इसका अधिकारी हो सकता है। तो फिर इस श्रीमद् भागवत में कहे गए सद्य शब्द का क्या अर्थ निकालेंगे कि सद्य सवनाय कल्पते, तुरंत जो है सवन इत्यादि के योग्य हो जाता है, वैदिको ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के योग्य हो जाता है। तो क्या इसका वास्तविक यही अर्थ है कि यदि कोई जो है शूद्र इत्यादि चांडाल आदि जो लोग हैं तो वे लोग भी यदि कुछ भगवान नाम संकीर्तन ले कर लें तो वे वैदिक कर्मों के अधिकारी हो जाएंगे, क्या वे जो है श्राद्ध इत्यादि में निमंत्रण करने योग्य हो जाएंगे, क्या वे जो है कथा करने योग्य हो जाएंगे, क्या शिवलिंग और शालिग्राम का स्पर्श करने योग्य हो जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। जाति जन्मनाई है, जो कर्म से जाति का उत्कृष्ट कहा गया है वो भी जन्मांतर के बाद, कर्म से जाति का उत्कृष्ट होता है, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, कर्म से क्षत्रिय वैश्य इत्यादि भी बन सकता है, कर्म करने से शूद्र भी और भी पतित भी हो सकता है अगर निष्कर है ना निषिद्ध कर्म कर लिया तो, परंतु कब, इस चालू जीवन में नहीं, अगले जन्म में, जन्मांतर में। तो जहां भी ये जो लोग जन्मना जो है जाति का खंडन करने वाले कर्मणा जाति का जो प्रतिपादन करते हैं वो जो गीता जी में भगवान ने कह दिया है कि उनके गुण कर्म विभाग सा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, अरे तो सृष्ट में जो देखिए कृत प्रत्यय है, भूतकाल का प्रत्यय है, भूतकाल अर्थ में होता है कृत प्रत्यय, अर्थात उनके जो संचित कर्म थे जिस तरीके से उसके आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर जो उनके गुण थे और जो गुण कर्मों के आधार पर उनका जो है स्थिति बनी उसके अनुसार हमने उनको की जाति उत्पन्न की, अन्यथा भगवान दोषी हो जाते। कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ किसी को ब्राह्मण किसी को क्षत्रिय किसी को वैश्य बना दिया, अरे चलो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो आप कह जो मानते हो कर्म से होगा, किसी को जो है कुत्ता बना दिया, किसी को बिल्ला बना दिया, किसी को बकरा बना दिया, किसी को पक्षी बना दिया, तो ये कैसे बना दिया, क्या बकरा कभी फिर ब्राह्मण बन सकता है, वही कर्म करे अच्छा बन जाए, नहीं वो भी बन सकता है परंतु अगले जन्म में धीरे धीरे कई जन्मों के अनंतर में शुभ कर्म करते करते बन सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस पर तो कभी विशेष चर्चा करेंगे, ये जो है जन्मना जाति और मुख्य रूप से है ही ये कर्मणा कर्मणा ये लोग कहते रहते हैं, उसका सार रूप में बात यही है कि वो जो
कर्मणा जाति का जो प्रतिपादन करते हैं, भगवान ने जिस कर्म के आधार पर सृष्टि का सृजन किया, वो जब प्रलय होता है तो प्रलय होने पर सब जीव मुक्त नहीं होते, वो अपने अपने जिस तरीके से आज प्रलय आ जाए, आज भाई हमने कोई मुक्ति का कार्य किया ही नहीं, हम सब लोग कुछ पापी कुछ पुण्यात्मा सब तरीके के लोग हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो जीवात्मा साहब जो भगवान के उदर में प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर जो जल निमग्न हो जाता है, ये चार तरीके की प्रलय होती है वो अलग बात है। तो उसके बाद जब सृष्टि का सृजन होता है ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान करवाते हैं, तो वे जीवात्माएं भगवान के उदरस्थ जो थी वो निकल करके, पर उनके वो जीव जितने भी जीव तभी तक है जब तक उनके कर्म उनसे लिपके चिपके हुए हैं लिप्य हैं, तो वे जीवात्माएं वे जीव जो है भगवान के उदरस्थ जो थे वो निकले अपने अपने कर्मों को लेकर के, और जैसे जैसे जिसके कर्म थे उसके आधार पर उनको वो जाति और वो योनि मैं उनको जन्म दे दिया गया, अन्यथा तो फिर भगवान के ऊपर जो है लोग उंगली उठाएंगे, किसी को जो है पशु पक्षी बना दिया, किसी को ब्राह्मण मनुष्य इत्यादि बना दिया, ऐसा नहीं। गुण कर्म विभाग सह, जैसे जैसे उनके गुण कर्म थे वो रोक दिए गए थे कुछ दिन के लिए, अब फिर उनकी सृष्टि चालू हो गई तो किसके आधार पर, पूर्व संचित कर्मों के आधार पर। तो इसी प्रकार यहां भी, यहां इसी जीवन में कोई अगर चांडाल इत्यादि भगवान नाम ग्रहण कर ले तो उसकी जाति नहीं बदलेगी, हाँ वो श्रेष्ठ कहा जाएगा, वो अपनी जाति का श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने देखिए भगवान का नाम भी जब करता है अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करता है तो वो श्रेष्ठ है, अगले जन्म में उसका जो है उत्कृष्ट होगा। तो स्वामी जी कहते हैं, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने विचार पीयूष में 241 पृष्ठ पर ऐसा जो लिखा हुआ है, वो यहाँ सद्य शब्द का अर्थ होगा द्वितीय जन्मांतरम एव, अर्थात वो जो शुद्ध जो चांडाल है वो कम से कम जो सैकड़ों जन्मों के बाद वो ब्राह्मण बनता, लेकिन वो भगवान नाम जप करने लग गया, इसलिए सद्य सवनाय कल्पते, अर्थात द्वितीय जन्मांतरम एव, दो तीन जन्म के बाद ही वो जो है शुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेगा, ब्राह्मण बनेगा और ज्योतिष्टोम आदि उन सवनों का अधिकारी हो जाएगा, न कि इसी जन्म में। ये अर्थ और भी जहाँ जगह पर जो है इसी तरीके से लेना चाहिए, इसको ऐसा नहीं है, अगर इस तरीके से कहेंगे तो भगवान के नाम की मर्यादा भी टूट जाएगी, भगवान की महिमा भगवान के नाम की महिमा ये सब कहाँ से प्राप्त हुई, शास्त्रों से ही तो प्राप्त हुई है, तो शास्त्रों के समझने की एक पद्धति है, उनकी भाषा है, वो किस रूप में इसको व्यक्त करते हैं कैसा कहते हैं, ऐसा नहीं है कई जगह पे किसी की निंदा कर दी गई किसी की जो है स्तुति कर दी गई तो निंदा स्तुति का तात्पर्य है नहीं, निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, यहाँ कोई किसी की निंदा की जाती है तो वो जो जिसकी निंदा की जा रही है उसमें उसका प्रयोग नहीं है, वो उसका अर्थ है कि जिसकी जो बड़ाई की जा रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है उसकी महिमा का वर्णन, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई जो है भगवान का नाम जो चांडाल को ब्राह्मण है या कोई द्विजित बनाने के लिए ये वाक्य है, इसका मतलब है कि भगवान के नाम की अपार महिमा है, जो सैकड़ों जन्मों में जो है अपनी जाति में जो श्रेष्ठ बनता ब्राह्मण इत्यादि द्विजित को प्राप्त करता, वो यदि भगवान नाम जब करता है अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है तो वो फिर जो है दो तीन जन्मों में ही जो है ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगा द्विजत्व को प्राप्त होगा ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञों का अधिकारी होगा, ऐसा ही अर्थ करना चाहिए। इस चालू जीवन में ही ऐसा हो जाता है, ऐसा लोग चालू लोग ही कहते हैं, ये जो है जो विधर्मी है आजकल, तो पहले जो है आर्य समाज जी लोग अपना आर्य समाज या इत्यादि कुछ लिखते थे, आजकल ये लोग वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो ऐसा जो है जयकारा लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारा ही सत्य सनातन धर्म अभी अपना लिया है, आप बताइए। तो इस तरीके से ऐसे लोगों के छलावे में नहीं आना है, और प्रायः इसी मत के लोग हो रहे हैं कि हमको जो है जाति इत्यादि नहीं बांधना है, अरे भाई तुम जाति को इसमें मनुष्यों में ही तो खत्म करने की बात कर रहे हो, अगर तुम कुत्ते को कहीं गाय बना दो जाति खत्म कर दो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम किसी भैंस को जो है जो शेर बना दो किसी घोड़े को ऊंट बना दो उसकी जाति खत्म कर दो सबको एक बराबर कर दो तो हम जो है आपको बतला देंगे भाई ये है। अरे भाई सब चीज में जाति होती है, अभी देखो आम का फल चल रहा है, आम की कम से कम 15-20 जाति होती है, और भी जाति होती है, इतनी तो हमने ही देखी है ना, और पहले जो बैसाख में चला था वो अलग था, दशहरी अलग था, और ये जो है चौसा लंगड़ा ये जाने क्या क्या जो है उसके नाम है कई तरीके के, और जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के चलते, सबके स्वाद आकार प्रकार एक नहीं है, अलग अलग हैं, और उनके समय भी आने के जाने के अलग अलग हैं सब आम, तो आप उनको सबको एक कर दो ना, इतनी आप में शक्ति हो तो इतनी वैरायटी क्यों है भाई, यही तो जो है।
वैशिष्ट है उसका। ये सब इस तरीके से बातों से नहीं हो सकता, ये जन्म से ही है और जन्म से ही रहेगी। जाति जन्मना ही सिद्ध है और जन्मना ही रहेगी। ये यही लोग कहते हैं जो जाति में निम्न है, और वे लोग अब वो जो है ब्राह्मण बनना चाहते हैं, क्षत्रिय बनना चाहते हैं, वे लोग ऐसा कहते हैं। अथवा जो लोग किसी ब्राह्मण कुल में तो पैदा हो गए नाम मात्र के, वास्तव में जो वे शूद्र ही हैं, वो कर्म से कहिएगा या किसी जो है वंश परंपरा से ही वो जो है भ्रष्टता कहीं ना कहीं है जिनमें, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय लोग भी जाति को भ्रष्ट की बात करते हैं। अन्यथा ये जो शुद्ध जातिवान है तो वो ऐसे शूद्र लोग भी जाति जो है कर्म से होती है नहीं कहते। हमारे संपर्क में कई शूद्र लोग हैं, हमारे गांव में हैं, यहाँ आसपास हैं, भी नहीं कहते कि जो है हम जो है कर्म से ब्राह्मण बन गए या जो कर्म से जो है जाति बदल जाती है, नहीं। वे कहते हैं कि जो जाति है वही है, हम तो उसी जाति में अपना विवाह इत्यादि करेंगे और हमारे लिए जो अधिकार है वही है। ये कुछ लोग आधुनिक के जो है छोटे बच्चे इत्यादि जो है युवा पीढ़ी जिसको जो कहा जाए, ये लोग इनके जो है आर्य समाजियों के चक्कर में पढ़ करके और ये जो आधुनिक भाषा और आधुनिक जो शिक्षा के चक्कर में पढ़ करके ये जो है विदेशी शिक्षा को पढ़ करके अपनी बात को ना समझ करके, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे जो है पूर्वज बंदर थे, जो लोग अपने पूर्वजों को गाली देने से नहीं चूक रहे हैं, भैया किसी को कोई व्यक्ति को ही कोई बंदर कुत्ता कह दे तो ये तो हमारे यहाँ गाली मानी गई है। वे मौज से कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे पिता पितामह इत्यादि जो है आगे ऊपर कई लोग पिता के पिता पिता के पिता पिता के पिता बंदर थे, कुत्ते थे और भी जाने क्या क्या थे, तो वही उनके लोगों के रहे होंगे, हम लोगों के नहीं है। और वो सब कुत्ते से पैदा हुए हैं, बंदर से पैदा हुए हैं और धीरे धीरे उनमें सुधार आया है। उनके पिताजी तो इतने पढ़े लिखे वो पूर्वज नहीं थे, वो तो एक मूर्ख टाइप के थे, धीरे धीरे इनमें सुधार आया है और ये जो है अब सुधारवाद के जो है झंडे लेकर के उसको लहरा रहे हैं। इन्हें देख रहे हैं कि बुद्धि से बल से आयु से सबसे जो क्षीण होता जा रहा है कलयुग में प्राणी, और वो अपने आप को बल बुद्धि का जो है पिटारा मान बैठा है। ये गुमान ही है केवल, और कुछ गुमान वालों के लोगों के पीछे लग करके अपने जो है मेधा अपने पूर्वजों की शक्ति अपनी ये जो है विरासत थी इसको खो करके और दूसरों के पीछे पिछलगू बन करके अपनी जाति को भी भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, जाति जन्म से ही होती है और रहेगी। यहाँ शास्त्रों के ऐसे वचन हैं उनका अर्थ जो आचार्यों ने किया है उसी रूप से मान्य होगा, अपनी बुद्धि से नहीं। हर हर महादेव।